एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT और PGT चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और आपके कितने प्रश्न सही होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसान बनाया गया है, उम्मीद है आज 50 के 50 प्रश्न आप सभी लोग सही करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया हो, और शेयर कर दीजिए लोगों को जिससे अधिक से अधिक लोग आज के इस क्लास में जुड़े। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बाघ गुफा से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि बाघ की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं, 5 हैं, 8 हैं, 7 हैं या 9 हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 9। तो बाघ में कुल कितनी गुफाएँ, 9 गुफाएँ हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ। तो शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ, अकबर के, शाहजहाँ के, जहांगीर के या औरंगजेब के। तो सही जवाब बताइएगा आपका क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाहजहाँ। तो शाह कलम के चित्रों का विकास का प्रचलन शाहजहाँ के काल में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सर्वोच्च सच्चे वैष्णोजन की भात अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, वह कौन है। नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी, यामिनी राय या क्षितिज नंद मजूमदार। सही विकल्प क्या होगा, किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है, जयपुर या कांगड़ा या किशनगढ़ या कुल्लू। आपका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय चित्र षष्टंग के सूत्रधार कौन है, पंडित यशोधर हैं, बाणभट्ट हैं, कवि माघ हैं, शुक्राचार्य हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित यशोधर। अगला प्रश्न है ओस्टवाल ने कितने रंगों के रंग चक्र में रखा है, 4, 3, 8, 6। सही जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या माना जाता है, 4थी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6ठी शताब्दी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया, अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राग दीपक चित्र किस शैली का है, मेवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, बूदी शैली का है, बसोली शैली का है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बूदी शैली का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है, कोटा बूदी शैली या उदयपुर की मेवाड़ शैली या जयपुर शैली या बीकानेर शैली। आपका सही जवाब क्या होगा, तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, जयपुर शैली। अगला प्रश्न है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में थी, जिसका क्या नाम है, हेनरी मूर है, ओ हेनरी है, वाल्टर स्कॉट है कि मूर काप्ट है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर काप्ट, क्राफ्ट। अगला देखते हैं सितनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी या कृष्णा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। अगला देखते हैं किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे, तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। इनके भाई का नाम था इंद्र कुमार गुजराल।
अगला प्रश्न है, जोगी मारा की गुफा ईसा से कितने वर्ष पूर्व चित्र मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व, 105 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व या 270 ईसा पूर्व? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 300 ईसवी पूर्व के। अगला प्रश्न है, षष्ठक का पहला अंक क्या है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूप भेद। अगला प्रश्न है, तुश्के बाबरी के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद, बाबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाबर। अगला देखते हैं, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली, बाघ शैली, अभ्रंश शैली या मुगल शैली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभ्रंश शैली में हुआ। अगला प्रश्न है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? HL फेवर या विंसर एंड न्यूटन कि न्यूटन कि NJ कांट? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, HL फेवर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूम पर, कलसे पर या कपड़े पर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूम पर की जाती है। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षष्ठक किसने लिखा? दलाई लामा, सीहो, कन्फ्यूशियस या ताओ? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीहो। अगला देखते हैं, नेकचंद सैनी का संबंध किससे है? वृंदावन डाक गार्डन से, रॉक गार्डन से या मिर्जापुर से या वास्तुविधा से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉक गार्डन से। अगला प्रश्न है, स्पिरिचुअल आर्ट के लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? जेस आर जान है, विक्टर वार्सेली हैं कि कांडिश्की हैं कि अगस्त मैके हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांडिश्की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया कौन है? राम कुमार हैं, KS कुलकर्णी हैं, बद्रीनाथ आर्य हैं, M.A. भूषण हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, कला नाम प्ररम चित्रम धर्मकार कामार्थ मोक्षगम किस पुस्तक से उद्घृत है? काव्यदर्श से, नाट्यशास्त्र से, चित्रसूत्र से या शिवसूत्र विमर्शरणी से? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रसूत्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1915 में, 1920 में या 1917 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1915 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? इटली के कवेरी में या बाबेरिया के कवेरी में या म्यूनिक में या ज्यूरिख में? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाबेरिया के कवेरी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? सैंडो बेतिचेल्ली की या फ्रेंच एंजेलको की कि फिल्पो लिपी की कि मासेचियो की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेतिचेल्ली की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, बिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल कितने वर्ष है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 9 वर्ष?
सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। ये तिरनाले हैं, यहाँ बिनाले लिख दिया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मूविंग फोकस किसकी रचना है? केजी सुब्रमण्यम की, गणेश पाइन की, रघुराय की, अमन अल्लाना की। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केजी सुब्रमण्यम की। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र गवर्णिका को चित्रित किसने किया है? रेम्ब्रा ने, कांस्टेबुल ने, टिंसिया ने, क्या पिकासो ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पिकासो ने। अगला प्रश्न है चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रुमालों के कार्य के लिए, पटचित्र के लिए, या अलग चित्र के लिए, या कागज़ पर बने चित्रों के लिए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रुमालों के कार्यों के लिए चंबा प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? नंदलाल बोस थे, या मकबूल फिदा हुसैन थे, या नारायण श्रीधर बिंद्रे थे, या डी पी राय चौधरी थे? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डी पी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। ये सन 1953 में ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, या बसोहरी शैली? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बसोहली शैली। अगला प्रश्न है अजंता के भित्त चित्रों से पहले किस गुफा में भित्त चित्रण हुआ? बाघ में, जोगीमारा में, सिंघनपुर में, एलिफेंटा में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोगीमारा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? आगरा, या ललितपुर, या कानपुर, या गढ़मुक्तेश्वर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ललितपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। दक्कनी शैली मूलतः केंद्रित थी? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी कैम्पटूर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीजापुर। अगला प्रश्न है पल्लव कला का विकास कहाँ हुआ? खजुराहो में, एलोरा में, महाबलीपुरम में, या लिंगराज मंदिर में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी, या आईने अकबरी, या तूतीनामा, या शाहनामा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहनामा में। अगला प्रश्न देखते हैं एंडी बरहोल किस आंदोलन से जुड़े हैं? ग्राफिटी, या पॉप आर्ट, या ग्राफिक आर्ट, या फोटो मॉन्टेज? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉप आर्ट से। अगला प्रश्न है जगन्निवास महल कहाँ पर स्थित है? अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में, या चित्तौड़ में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्तौड़ में, सॉरी जयपुर में। अगला प्रश्न है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? राजपूत शैली का, जैन शैली का, मुगल शैली का, या पाल शैली का? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, पाल शैली। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य पाल शैली का उद्भव और विकास हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। गांधी जी की डांडी यात्रा किसकी कृति है? तो बताइएगा अविन्द्रनाथ ठाकुर की, या नंदलाल बोस की, या शैलेन्द्रनाथ डे की रामकिंकर बैज की? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस।
तो गांधी जी की डांडी यात्रा नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है, और इनकी कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं शिव और सती, बुद्ध और महेश, शिव का विस्पान, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। एक चित्र है उमा की तपस्या, भी इन्हीं का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुंगेर में, कलकत्ता में, 24 परगना में, या शांति निकेतन में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंगेर, बिहार में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में भारत की कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था। बोरोस्की, स्वारोस्की की, निकोलस रोरिक, या दास बेदानिया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन ए एडवर्ड माने, ऑप्शन बी क्लाउड मोने, ऑप्शन सी वान गॉग, और ऑप्शन डी देगा। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लाउड मोने। तो प्रभाववाद के जनक इनको माना जाता है, और इनका चित्र है, इनके द्वारा बनाया गया चित्र सूर्योदय का प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? ओकाकुरा की पुस्तक है, कि ताइकाने की कांजान की हिदिशा की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओकाकुरा की पुस्तक है, आइडियल्स ऑफ ईस्ट। अगला प्रश्न है और 48 देखते हैं, ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या क्यूपरिक क्लोराइड, या नाइट्रिक अम्ल, या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49, सौंदर्य क्या है, कलाकृति है, या अभिव्यक्ति है, या जीवन का आनंद है, या रस निष्पत्ति है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र का संबंध रखता है कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, या किशनगढ़ शैली से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली से, इसका संबंध है बनी ठनी का। तो 50 प्रश्न यहाँ पे पूरे होते हैं, उम्मीद है आज आपके प्रश्न सारे सही हुए होंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।